तो जनाब क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है कि बहस में हम आपको बताते हैं। एक नाम में दो तलवारें नहीं हो सकती, मगर एक पार्टी में दो बीवियां हो सकती हैं और दोनों एक दूसरे से नहीं एक साथ लड़े तो कामयाब भी हो सकती हैं। हम मर्दान की बात कर रहे हैं, यहाँ कुछ ऐसा ही हुआ, मर्दान का बलदियाती इंतखाब, जनाब एक शख्स की दोनों बीवियां यहाँ हुई कामयाब। मजीद जानेंगे, समा के नुमाइंदे शहाब अकबर हमारे साथ हैं। शहाब बताइए क्या क्या वोट्स रहे, कितने वोट पड़े? हाँ जी, देखिए ये पलो डेरी विलेज काउंसिल है, यहाँ पर 200 तन बलदियाती इलेक्शन में मैदान में उतरी थी, जिसमें एक खातून जो थी वो मखसूस नशिस पे थी, जबकि दूसरी जनरल काउंसिल की नशिस पे थी। जनरल काउंसिल की नशिस पे जो खातून खड़ी थी उसके मद मुकाबिल 6 मर्द मैदान में थे। पहले नतज के मुताबिक इन्होंने 436 वोट हासिल किए थे, 4 नंबर पर ये आई थी। ताहम इसके शोहर इशफाक हुसैन ने रिटायर अफसर को दरख्वास्त की थी दोबारा गिनती के लिए, जिसमें आज दोबारा गिनती में इनके 7 वोट ज्यादा हुए, तो इस तरह 443 वोटों से ये जनरल काउंसिल मुंतखब होगी। जनरल काउंसिल की नशिस्त पे मुंतखब होने के बाद इनके इलाके में काफी खुशी पाई जा रही है। इस सब के बाद शहाब बहुत शुक्रिया।